गाइस, तो स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हमारे पास है ब्रांड न्यू हमारे भानु भाई की काइगर। रेनॉल्ट काइगर ये गाड़ी है, तो ये रेनॉल्ट काइगर का RXZ मॉडल है, टॉप मॉडल पेट्रोल में। 1000 CC का इसमें इंजन आता है, जो इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है। और 71 BHP की एक गाड़ी पावर जनरेट करती है, और 3500 RPM पे 96 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। और मेन बात यहाँ पे देखा जाए कि ग्राउंड क्लियरेंस जो इस गाड़ी का है, और 205 mm का इसने ग्राउंड ये ग्राउंड क्लियरेंस, और टायर साइज R16 का इन्होंने दिया हुआ है, 195/60 R16 का ये टायर है, अलॉय व्हील के साथ। टॉप मॉडल ये गाड़ी है, पेट्रोल ये वर्जन है। और ये देख सकते हैं आप पीछे रेनॉल्ट का लोगो, और बैक कैमरा है इसमें काइगर, और RXZ की यहाँ पे बैजिंग है शायद आगे है। और ये रूफरेंस दे चुके हैं, जो कि ये रूफरेंस दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान वामान रखने के लिए, कैरियर के लिए अच्छी तरीके से यूज़ हो सकते हैं। और आप इसके बैक लाइट देख सकते हैं, ये LED हैं, काफ़ी सुंदर लगती है ये लाइटें। और पीछे शार्क फिन एंटीना है, तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये गाड़ी इस तरह के कंडीशंस के लिए। आप कहीं भी जाएं, रूफ रेल है जिसको आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। इसका बूट स्पेस ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। हाँ, इंजन थोड़ा सा छोटा है, 1000 CC का ये इंजन है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। अब धीरे धीरे जब इसका परफॉर्मेंस देखेंगे हम यहाँ पे, भाई से पूछेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो आगे इसके और भी रिव्यू बनाएंगे कि किस प्रकार ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में परफॉर्म करती है। अभी तक आपने मेरे वीडियो में देखा होगा टाटा नेक्सॉन किस प्रकार से परफॉर्म करती है, तो आगे आगे हम रेनॉल्ट काइगर का भी दिखाएंगे। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं इंटीरियर कैसा है, और इंटीरियर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता आपको टाटा नेक्सॉन के जैसा भी दिखेगा। ये जो स्टीयरिंग है ये टेलीस्कोपिक नहीं है, ये सिर्फ ऐसे है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छा ये फील होता है। डिजिटली ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये टच स्क्रीन यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा देर का है भाई। टच स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दो एयरबैग के साथ ये गाड़ी आती है। और ये मैनुअली है, यहाँ पे 5 गियर हैं इस गाड़ी में, पुश बटन स्टार्ट के साथ ये आती है। और AC है, ऑटोमेटिक AC है। यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़ा स्पेस है इस पर। और ये गाड़ी भी 3 मोड ऑफर करती है, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड, जिस मोड में आप इसे चलाना चाहें। और भाई देखा जाए तो बेसिकली मुझे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी अच्छा लगा डिजिटली। आपने देखा होगा Hyundai की गाड़ियों में ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है। और जो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन की क्वालिटी ठीक है, हल्का सा लैग है इसमें, हल्का सा लैग है, चलो फिर भी काफ़ी बड़ा है और अच्छा लगता है ये। और स्पेस आप देख सकते हैं, ये जो सीट है 6th एडजस्टेबल है अपनी हाइट के साथ। रियर सीट स्पेस की बात करते हैं इसमें, तो रियर सीट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं अगर अपनी नेक्सॉन की बात करूं तो नेक्सॉन से, तो मुझे रियल में मुझे नेक्सॉन से काफ़ी ज़्यादा लगा। इन लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं यहाँ पे। ये रियर AC है, वैसे रियर AC नहीं, सिर्फ एक ब्लोअर होता है। और पीछे चार्जिंग के लिए सॉकेट भी दिया गया है पीछे के पैसेंजर के लिए, यहाँ पे ये मिलेगी, तो ठीक है, बहुत बढ़िया ये गाड़ी है। और ये देखिए रियर सेंसर के साथ ये गाड़ी आती है, और यहाँ पे बैक कैमरा भी है। इसका बूट स्पेस देखते हैं, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ये 402 लीटर का इसका बूट स्पेस है। ये शायद ही अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये बूट स्पेस ये ऑफर करती है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। मेरे साथ इस गाड़ी के ऑनर हैं भानु भाई। सबसे पहले भानु भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इस गाड़ी को चूज़ करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे कि आप जानते हैं, आप भी इधर ही के लोकल हैं, और ये कंडीशन देख सकते हैं, हमारा होम टाउन है, और किस प्रकार की एक्सट्रीम कंडीशन है। तो भाई ये गाड़ी कितने की ऑन रोड पड़ गई थी आपको? ये अंशु भाई, RXZ टॉप एंड वेरिएंट है, तो ये मुझे 927 तक की पड़ गई थी। अच्छा, ऑडियो वगैरह सब कुछ मिला के 927। तो भानु भाई, पेट्रोल गाड़ी लेने का, जबकि आजकल देखा जा रहा है कि लोग डीजल गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, आप इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां थी जैसे निसान मैग्नाइट हो गई, आपको टाटा पंच, इवन नेक्सॉन वेन्यू और सोनेट के भी मॉडल मिल जाते थे, तो इस गाड़ी को चूज़ करने का आपका वो रीज़न क्या था?
अंशु भाई, सबसे पहले तो ये बजट फ्रेंडली है, मैं क्लियरली बोलूंगा बजट फ्रेंडली गाड़ी है। 9 लाख में कोई भी कंपनी आपको मतलब हाँ, हालांकि निसान देती है, निसान का यही टॉप एंड वेरियंट 956 का है, मैंने वहाँ भी पता किया था, लेकिन ये मुझे 927 का पड़ गया। तो मतलब मैंने फर्स्ट तो मेरा चॉइस रहा बजट, और दूसरा आप बोल रहे हो पेट्रोल के लिए, तो पेट्रोल का सीन मेरा ऐसा था कि हम आपको पता ही है कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ठंड जिस हिसाब से पड़ती है तो डीजल वाली गाड़ी मुझे ये लगा कि थोड़ा सा धोखा दे, हाँ धोखा देती है। मेरे पास नेक्सोन है, कई बार बद्रीनाथ में बहुत ठंड वाली कंडीशन में भी तो दिक्कत कर देती है। और आपने सही, तो मैंने अभी तक ये गाड़ी एक बार भी मतलब 2 दिन से खड़ी थी, एक बार भी स्टार्ट नहीं की थी, अभी मैं जस्ट स्टार्ट करके घर से आ रहा हूँ, मतलब स्टार्ट करके छोड़नी नहीं पड़ती है गाड़ी, स्टार्ट करके छोड़ी नहीं थी मैंने, जस्ट स्टार्ट किया और तुरंत निकला हूँ, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में कोई दिक्कत, और अभी तो बर्फ पड़ रही है आप देख ही सकते हैं। नहीं, पेट्रोल गाड़ी का यही फायदा होता है गाइस, मेरे पास जो नेक्सोन है डीजल, कई बार वो धुआं छोड़ती है, डीजल गाड़ी प्रॉब्लम करती है स्टार्ट होने में, जबकि ऐसी कंडीशन में आपका ये, आपने सही कहा कि इस बजट में कोई भी कंपनी इतनी ज़्यादा फीचर ऑफर नहीं करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका है, रियर कैमरा, पार्किंग, इसके जो रूफ रेल्स वगैरह हैं, और मेन बात इसका जो कीलेस एंट्री है, सबसे बेहतरीन मुझे इसका लगा कीलेस एंट्री, सिर्फ अपने पास आप रिमोट रख लो गाड़ी का जेब में और कोई आपको टेंशन करने की जरूरत। और मेन बात मुझे इसकी जो सबसे अच्छी दो चीज़ें लगी है, एक तो इसका बूट स्पेस ये बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा, नेक्सोन 348 लीटर का देती है, 405 लीटर का ये ऑफर कर रही है, और ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का, जो कि यहाँ के लिए काफी अच्छा है ग्राउंड क्लियरेंस। अच्छा भानु भाई, ये बताइए कि अच्छा 1000 cc का इंजन है 3 सिलेंडर का, तो आपको पावर की कहीं कमी नहीं लगी? आप देहरादून से यहाँ पे आए, काफी चढ़ाई है, काफी खराब रोड है, तो कैसा लगा जब आप यहाँ पे लेके आए? तो भाई देहरादून से जोशीमठ तक तो रोड काफी अच्छी बन गई है, बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रचार भी चल रहा है, पेड प्रमोशन है, ये भी चल रहा है ना। और दूसरी बात ये है कि हाँ, उससे आगे रोड की एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत खराब रोड है, लेकिन आप इसके टायर पे देख सकते हो कि पूरा मडी हो रखा है, पूरा मैं पूरे मड से लेके आ रहा हूँ इसे, आगे बहुत कीचड़ है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं अच्छे से लेके आया गाड़ी, और पावर की तो बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है भानु भाई, और जैसे कि भानु भाई की एक पहली गाड़ी है, और पहली गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है ऑब्वियसली, जैसे भानु भाई ने बोला कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है रेनॉल्ट कंपनी, है भी बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ इलाके में काफ़ी ज़्यादा रेनॉल्ट की गाड़ियाँ हैं, अभी आप क्विड देख सकते हैं यहाँ पे, रेनॉल्ट की भाई की यहाँ पे क्विड है, रेनॉल्ट की डस्टर आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो रेनॉल्ट टाइगर भानु भाई का जो डिसीजन था, एक तो बजट फ्रेंडली है और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है, पेट्रोल इंजन के साथ इन्होंने लिया है क्योंकि इन्हें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन हो जाती है, बद्रीनाथ में तो कभी कभी -10 पे रहता है, और कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, तो पेट्रोलाइज इसका जो ड्राइव रिव्यू है, ये जब ये कुछ किलोमीटर चल जाएगी, जब ये सर्विस कर लेगी अपनी 2-4, तो उस समय देखेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है इसकी, और फिलहाल के लिए ये है रेनॉल्ट टाइगर आपके लिए, और धीरे धीरे आपको बताएंगे कि ये आगे किस प्रकार से यहाँ पे परफॉर्म करेगी, और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।